बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह हम सबको अपने सम्मान में रखे, जान भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हम सबको ढेरों खुशी नसीब करे। मैं आज की रेसिपी शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से, जो हम सब पे बहुत बड़ा नहायत रहम वाला है। मैं आज आपके लिए बहन भाइयों ये टमाटर कैचअप लेके आई हूँ। टमाटर कैचअप की रेसिपी बना रही हूँ। टमाटर मैंने लिया है 1.5 किलो, 1.5 kg लिए हैं मैंने टमाटर। और इसका मैं कैचअप बना रही हूँ। घर का बहुत अच्छा बनता है, मज़ेदार बनता है, केमिकल से पाक बनता है। ये मैंने टमाटर पहले अच्छी तरह वाश किए हैं, वाश कर काट लिए हैं। काट के ये मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं। ये 1 कप मैं पानी शामिल कर रही हूँ, अच्छी तरह गल जाएंगे। और ये 2 टीस्पून है सिरका सफ़ेद, ये शामिल कर रही हूँ। इससे ख़राब नहीं होता, चाहे 2 माह ही पड़ा रहे। पहले मैंने बनाया था वो बहुत अच्छा बना था, ये 6 माह भी ख़राब नहीं होता। मैंने तकरीबन 6 माह पहले इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़ेदार बना है। घर का केमिकल से पाक बना है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने बहन भाई दोस्त अजीज और रिश्तेदारों में शेयर कर देना। बेल का बटन लाजमी प्रेस करना ताकि न्यू आने वाली रेसिपी जल्द आप तक पहुंच सके। आपकी सपोर्ट देने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी होगी सपोर्ट दोगे। मैं इसको 5 मिनट दम लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टमाटर गल गए हैं अच्छी तरह। इस टाइम पर आके ये 1/2 टीस्पून टाटरी ये शामिल कर रही हूँ। ये टाटरी और सिरका हो ये इसको ख़राब नहीं करने देता। और 1/2 टीस्पून है काला नमक, सफ़ेद नमक है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून है सुर्ख मिर्च, 1/2 टीस्पून। ये जूसर जग में ग्राइंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टमाटर केचप ठंडे हो गए हैं, मैं इसमें जूसर में ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करके फिर मिलती हूँ आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ग्राइंड कर लिए हैं जूसर में, और ऐसी सी कोई छानी लेके इसमें छान लेना है।
मैं छान के फिर मिलती हूँ आपसे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये पल जो है इसको भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैंने ये टमाटर का जब छान लिया, ये बंदा सालन में या ये चावल वगैरह बनाया नहीं बनाए तो उसमें ये शामिल कर सकता है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये मैंने केचप को छान लिया, छान के ये एक पाव चीनी है ये शामिल कर रही हूँ, हाफ शामिल कर रही हूँ, हाफ रख रही हूँ, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो शामिल कर लूँगी। ये चीनी मैं मिक्स कर रही हूँ, कलर बहुत प्यारा आया है, बहुत अच्छे कलर आया है माशाल्लाह। ये चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है, इसका पानी जब खुशक हो जाएगा फिर ये तैयार हो जाएगा। ये ऐसे गाढ़ा हो जाएगा। इस टाइम पे आके ये 2 टीस्पून है कॉर्नफ्लोर के, ये शामिल कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और मिक्स करना है अच्छी तरह। इससे अच्छी तरह थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाएगा। ये 2 टीस्पून है, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और अच्छी तरह हिलाना है। ये टमाटर केचप तैयार हो गया माशाल्लाह, ये इस तरह का होना चाहिए, गाढ़ा हो गया, ये देखो इस तरह का होना चाहिए। बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़ेदार बना है, केमिकल से पाक बना है। घर में चीज़ बना के रख लेनी चाहिए, ये 6 महीने बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा जिस तरह है। बहुत गाढ़ा हो गया अच्छी तरह, इसमें अभी और भी गाढ़ा होना है, जैसे जैसे ठंडा होगा और भी गाढ़ा हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने बहन भाई दोस्तों अजीज और रिश्तेदार में शेयर कर देना, बेल का बटन लाजमी प्रेस करना ताकि न्यू आने वाली रेसिपी जल्द आप तक पहुँच सके। आपकी सपोर्ट देने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी होगी सपोर्ट दोगे तो। कल की रेसिपी में दुआ में हमें याद रखना, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल करना। कल की रेसिपी में हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़।